प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे मूंग की दाल का हलवा कैसे बनता है। पहले हमने बहुत सी मिठाइयाँ बताई हैं जो आप घर में ही बना सकते हैं। ये मूंग की दाल का हलवा भी आप घर में बहुत ही साफ तरीके से, अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी सामग्री नोट कर लीजिए। इसके सामग्री है 1/2 किलो मूंग की दाल मोटी वाली साफ, और 250 ग्राम देसी खांड, और 200 ग्राम देसी घी। इसके साथ बीच में डालने के लिए बाद में काजू, बादाम, पिस्ता बारीक काट के अलग से रख देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मूंग की दाल है जो, इसको आपने पानी में भिगो कर रख देनी है पूरी रात। पूरी रात भीगने के बाद इसको बाहर निकाल कर, अच्छी तरह पानी इसका निकाल कर, इसको आपने मिक्सी में अच्छी तरह पीस लेना है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसको किसी बर्तन में लेकर और किसी मामरस्ती में लेकर इसको अच्छी तरह पीस सकते हैं। पीसने के बाद ये बिल्कुल ग्रेवी सी तैयार हो जाएगी। इसको आपने कढ़ाई में देसी घी डाल करके उसमें डाल देना है। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि अग्नि इसको काला ना करने पाए। उसके बाद धीरे धीरे हिलाते हिलाते जब देखें कि ये हल्का हल्का रेड ब्राउन हो गया है और इस दाल के अंदर से ही घी बाहर निकलने लग गया है थोड़ा थोड़ा, तो आपने जो देसी खांड 250 ग्राम है वो इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद इसको धीरे धीरे हिलाते रहना है और देखना है कि चीनी है जो, देसी खांड है जो, अच्छी तरह उसमें मिक्स हो गई है। और इसको आपने चूल्हे से उतार करके किसी साफ बर्तन में उतार लेना है, और इसके ऊपर सजावट के लिए पिस्ता, बादाम और जो आपने पहले से काजू काट के रखे हुए हैं इसके ऊपर सजा देने हैं। ठंडा होने के बाद आप इसको खा सकते हैं। आपका मूंग की दाल का हलवा तैयार है। खाइए और झूम जाइए। थैंक यू वेरी मच।